ओडियाईज में अब 500 रन दूर नहीं। जी दोस्तों, इंग्लैंड बनाम नेदरलैंड्स का पहला ओडियाई जिन्होंने भी देखा होगा वो काफी बखूबी जानते हैं कि मेरा मतलब यहाँ क्या है। पहले टॉस जीतकर यहाँ गेंदबाजी करने का फैसला नेदरलैंड्स को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ठोक दिए कुल 498 रन केवल 50 ओवर में, और टारगेट जो यहाँ नेदरलैंड्स को मिला था 499 रन का, एक रन कम 500 रन से। और उनके बल्लेबाजों की अगर बात करें तो तीन बल्लेबाजों ने कुल यहाँ शतक लगाए हैं। सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट, फिर आते हैं डेविड मलान और इन फॉर्म जॉस बटलर, जिनका आईपीएल काफी अच्छा घटा था, ऑरेंज कैप होल्डर रहे और उसी फॉर्म को यहाँ बरकरार रखते दिखे हैं नेदरलैंड के सामने। कुल 160 रन की पारी यहाँ जॉस बटलर ने खेली और मैन ऑफ द मैच भी यहाँ बने। अगर बात करें हाईएस्ट स्कोर किसी टीम के, तो अभी तक टॉप तीन स्कोर इंग्लैंड के टीम के नाम ही है। सबसे पहला स्कोर तो आप जानते ही हैं 498 रनों का नेदरलैंड के खिलाफ, इसके बाद 481 का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 444 पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि तीनों ही स्कोर यहां इंग्लैंड की टीम ने बनाए हैं, जो यहां दर्शाता है कि वाइड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड का डोमिनेशन किस लेवल का है। और केवल यही नहीं, 2019 के वर्ल्ड कप विनर्स भी हैं, यानी कि वो जद्दोजहद ज़रूर करेंगे अगले साल जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा और इंग्लैंड फेवरेट्स ज़रूर मानी जाएगी इस कप को डिफेंड करने में। दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है ओडीआई में 500 रन का जो आंकड़ा है वो टूट सकता है, क्या लगता है आपको बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।